बच्ची है मेरे सड़क पे आ गए, मेरा बच्चा बोल रहा है मैं गेहूँ घर में सोऊंगा, कहाँ सुलाऊं मैं इसको। 15 दिन के लिए सील हुई है, फिर उन्होंने और लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया सबको। एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पे मूसा कॉलोनी में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इमारत पूरी जमीन बोस हो चुकी है। ये आए दिन का मामला बन चुका है कराची में बिल्डिंगें गिरने का। खुशकिस्मती से कि यहां पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कल रात में ये बिल्डिंग को खाली कर दिया गया था, लेकिन रिहायशी जो इसमें 6 फैमिली रिहायश पसीर थी वो इस वक्त रोड पर आ चुकी हैं। वो सरापा एहतजाज हैं कि हम कहाँ जाएँ। 40-40 गज की बिल्डिंग, 40-40 गज पर ये बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती हैं चंद पैसों के लिए। ये बिल्डर्स जो हैं वो 40-40 गज पर खड़ी कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैं उसके बराबर वाली बिल्डिंग की भी हालत, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा सके कि बराबर वाली बिल्डिंग की क्या हालत है। वो भी किसी वक्त भी गिर सकती है। वो 40 गज भी नहीं है जिसपे इन्होंने 2-3 मंजिला खड़ा कर दिया है। इस वक्त जो है जो रिहायशी यहाँ के रिहायशी हैं वो बेचारे सरापा एहतजाज हैं कि वो कहाँ जाएँ। उनका सारा सामान अंदर दबा हुआ है। इस फैमिली सरापा एहतजाज हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो रिहायशी पसीर हैं उनसे बात कर सकें। जिनाज़ीन कैमरामैन सिकंदर अली के साथ मैं घर था, फ्लैट था। हाँ, मेरा फ्लैट है, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है किसी हुकूमत से। मेरा घर में बहुत कुछ चीज़ है, जेवर है, पैसा है, सामान है, मेरा बच्चा का सारा कागजात है, कारोबार का सारा सेक बुक सब घर में मौजूद है। कोई चीज़ हम लोग हमारे साथ यहाँ पे एक और फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ की रहायश पसीर हैं? जी बिल्कुल, हम इसी इलाके की रहायश पसीर ही है। जो 40-40 गज पे बिल्डिंगें बना दी हैं अभी, मैं आपने देखें 40 गज भी नहीं है, ये बिल्डिंग में टेढ़ी हो चुकी है। तो इस पर किस तरह ये बिल्डर्स जो है ना बिल्डिंग बना देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इदारे खामोश हैं। देखिए इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इसमें सबसे पहले कसूर उन इदारों का है जो ये इजाज़त देते हैं कि आप लोग ये बिल्डिंगें खड़ी करें। और दूसरी बात ये उन लोगों की, जो हम जैसे लोग हैं ना जो चंद पैसों के खातिर ऐसे सस्ते घरों में रहना पसंद करते या अपनी ज़िंदगी की पूरी माली जो पैसे इस पर लगा देते, तो आवाम को भी चाहिए कि खुदाए रहा ऐसी बिल्डिंग इतनी छोटी उस पर 5-5 मंजिला बना के लोग जो किराए पर रहते या ख़ुद ख़रीद के रहते, तो उनसे कहूँगी कि बराए मेहरबानी ये घर नहीं थे, ये कब्र थे, ये कब्रें खोदी गई थी और आज इनमें ये जो गिरे। तो अभी जो ये फैमिलीज हैं बेचारी, इनसे लेडीज़ भी हैं, वो कहाँ रात गुजारेंगे, कहाँ कोई गवर्नमेंट हुकूमती सतह पर किसी ने इनसे जो है ना इस वक्त वो भी नहीं किया, कॉन्टेक्ट भी नहीं किया। हुकूमती यही कहूँगी कि हुकूमती सतह पर उनसे कोई अभी तक उनको कोई भी इमदाद नहीं दी गई है। वो जितने भी यहाँ के रिहायशी थे वो बेचारे कोई बहन के घर, भाई के घर, सब अपने अपने रिश्तेदारों के घर जाकर बैठे हुए, उनका कितना माली नुकसान हुआ है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते उनके ऊपर जो गुजर रही है। लेकिन इस वक्त हुकूमत क्या करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाकया जो कि आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, ये देख सकते हैं कि आप ये किस तरह से ये बिल्डिंग यहाँ पर मूसा कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत जो गिरकर तबाह हो गई, जिसने तमाम जो बराबर वाली बिल्डिंग को भी जो नुकसान पहुँचाया है, मुतासिर किया है। यहाँ की जो फैमिली है, जो मुतासर फैमिली है, उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें उन पर करम किया कि उनकी जानें बचा ली हैं। मुतासर लोग हैं जिस जो इस वक्त परेशानी के बायस जो है इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, इस वक्त ये सवाल करते हैं उन इदारों से कि हमारा कसूर क्या था जिन्होंने ये बिल्डिंग में कुछ फ्लैट्स खरीदे थे। हम इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। नीचे दुकान भी थी, ऊपर फ्लैट भी था मेरा, ये फर्स्ट फ्लोर था मेरा, ठीक है। सील होने के बावजूद फिर ऊपर 2 छतें डली। ये सील कर दी थी 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए सील हुई है, ये फिर उन्होंने सील खुलवा के जाहिर है बड़े बड़े लोगों पैसे लिए और उन्होंने फिर बनाने दी और लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया सबको। तो कैसे पता चला कि बिल्डिंग के अंदर मामला पे? भाई रात को मेरे को नजर आया, रीते जी से दुकान है ना, दुकान में ये वहाँ से फट रहा था, फिर मैंने ऊपर से फैमिलियाँ निकाली हैं सारी, ऊपर मदद आपके देर रात। जी हाँ, रात को मैंने बंद करके गया हूँ सारी फैमिलियाँ निकाल के, ऊपर से हमने सारी फैमिली को निकाला, सबको सबके फ्लोरों में ताले लगाए, सबके कीमती सामान थे उसके अंदर, फिर मेन गेट के ऊपर ताला लगा, हमने मेन गेट बंद कर दिया ताकि वो ऊपर को ना जा सके। उसके बाद सुबह तकरीबन 8:30 से 9 बजे के दरमियान। आपने फ्लैट कितने का लिया था? हाँ, कितने का फ्लैट लिया था आपने? मैंने ये तकरीबन 35 लाख रुपए का लिया। भाई वो बिल्डर कहाँ पर है जिससे आपने खरीदा था? वो आया इस पोजीशन में भी पूछने कोई भी नहीं आया भाई, कहाँ आएंगे वो अभी? वो तो नंबर ही। अच्छा तो बच्चे मेरे सड़क पे आ गए, मेरा बच्चा बोल रहा है मैं गेहूँ घर में सोऊंगा, कहाँ सुलाऊं मैं इसको। आपका घर कौन सा? ये जो ये बराबर वाला था बिल्डिंग के, जो बिल्डिंग गिरी इसके बराबर वाला? हाँ, इसके इधर वाला कॉर्नर वाला।
अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे हैं छोटे छोटे। मैंने कर्म किया, बचत हो गई। हाँ, बच्चों को निकाल लिया था, बिल्डिंग वालों ने बताया हमारे को, उन्होंने उतर के हमारे को उठाया कि आप लोग निकलो। लोगों का बुरा हाल है, लोगों का बुरा हाल है, खुदारा इस कराची के हाल पर रहम करें, उन पर एक्शन लिया जाए। दो बार ये सील हो चुकी थी, डॉक्टर याकूब बोलते हैं मेरी जेब में रहता है कानून, नीति मेरी जेब में रहता है, कल से काम शुरू है, कल से शुरू हो गया वो काम। क्या नाम? डॉक्टर याकूब, जो बिल्डर है लालू खेत में, कितनी बिल्डिंग है ये चार नंबर। लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आमिर नाम का बिल्डर है। आमिर बाबा अलग है, डॉक्टर याकूब जो बना रहा था वो अलग है। अच्छा, असल पार्टनर है सारे, असल जो है वो याकूब है, डॉक्टर याकूब, जिस जो ये जो बिल्डिंग असल बना रहा था। हाँ, डॉक्टर याकूब। नाजरीन, आपने देखा, और सिंध हुकूमत आपसे भी ये हमारी अपील है कि वो एक अहम बात बताते कि कराची में रेंजर्स और पुलिस का जो किरदार देखने में आ रहा है, मुसलसल हम आपको दिखाते यूँ हैं कि सच की आवाज़ के साथ रेंजर्स ने सुबह यहाँ पर पहुँच कर जो है सब लोगों को यहाँ से जो है खाली कराया घर। उसके बाद 150 तकरीबन हमारी ऑफिसर से बात हुई है, 150 अफराद यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, जो यहाँ नीचे बिल्डिंग के नीचे इर्द गिर्द घूम रहे थे। मालूम हुआ लोगों से कि सिंध रेंजर्स ने आकर यहाँ लोगों को बचाया, लोगों की जानों को बचाया, वरना इस बिल्डिंग के नीचे 150 से ज़्यादा लोग जमा थे। जिस वक्त गिरी नहीं थी, उस जैसे लोगों को एक साइड किया, बिल्डिंग फौरन से गिर गई है। तो इसमें हम सिंध रेंजर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी नाज़रीन, जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ऑफिसर DSP मोइनुद्दीन साहब, जो कि गुलबर्ग से हैं। हमसे बात करेंगे आज इस हवाले से कि आज हम इनसे मालूम करेंगे कि आप अपनी ड्यूटी कब से अंजाम दे रहे हैं, बिल्डिंग गिरी है सर, इसके बारे में कुछ बताएं। जनाब, आज सुबह की बात है कि हमारी पुलिस गश्त में मौजूद थी, तो पुलिस को इतना मिल गई कि इमारत मखदूश और लोगों भी तशवीश में थे, बिल्डिंग को और साथ की बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। मैं खुद यहाँ पर तकरीबन 9:45 से मैं मौजूद हूँ। तो सुबह 9:45 से मौजूद हैं जी। उस वक्त ये 8:45 पे 8:35 पे बिल्डिंग डिमोलिश खुद ब खुद हो गई थी, कुदरती। यानी जैसे आपको इतला मिली आप फौरन से जो यहाँ पर पहुँचे? जी हाँ, मैं दफ्तर में ही था, इतला मिलते ही मैं आ गया था। अच्छा, सुबह से आप यहाँ ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, आपके तमाम जितने भी? हाँ बिल्कुल, पुलिस आ गई थी, फिर सुबह DC साहब भी आ गए, दीगर महकमान का शाह सलीम साहब आए थे यहाँ जी, सलीम साहब आए थे, बिल्कुल इन पर्सन मौजूद थे। अच्छा, तो मतलब कुछ पता चला कि ये किसकी बिल्डिंग है, कौन बिल्डर है इसका? ये बिल्डिंग किसी आमिर नामी शख्स की है। और किसकी है सर? आमिर। अच्छा, आमिर भैया। अच्छा, तो बिल्डर हैं? बिल्डर है या मालिक है इसका। अच्छा, और इसी इलाके में रिहाइश पजीर है, उसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं। तो उसने कोई रابطہ किया है यहाँ पर आकर आमिर साहब ने? नहीं, उसका फ़ोन बंद है। उसका फ़ोन बंद जा रहा है, तो ये तो एक सवालिया निशान है सर कि उसका फ़ोन बंद जा रहा है, और फिर वो लोगों को आके दिलासा नहीं दिया, उन्होंने आकर लोगों को एक सहारे वाली बात नहीं की है कि आप घबराएं ना, अगर बिल्डिंग गिरी है तो हम इसका इजाला करेंगे। जो है उसके अपने ज़मीर की और इंटरेस्ट की बात है, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। अच्छा, आप सिंध पुलिस की जानिब से DSP साहब यहाँ मौजूद है, इन्होंने अपनी बात बताई कि मुझे जैसे ही इतला मिली हम फौरी तौर पर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, 7:45 ये जो बिल्डिंग गिरी है, उसके बाद 8:30 पर ये बिल्डिंग गिरी है, 9:45 आप लोग यहाँ पर पहुँच गए। SSP मारूफ साहब भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे भी हम आपकी बात करवाते हैं। सिंध पुलिस का जो किरदार था वो आपके सामने आ चुका है कि जैसे ही ये इतला मिली फ़ौरन से पहुँच गए। बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद हैं ताहा सलीम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर आ गए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब पहले भी आ चुके हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये ऐसा जो मामला पेश आया है, दरपेश आया है, तो इसके बारे में हम ताहा सलीम साहब कैसे हैं आप? हमें पता चला था कि आप पहले भी आके जा चुके हैं, इसके बारे में आप बताएंगे कि जिस तरह से ये तकरीबन कराची में पहले PIB कॉलोनी में ऐसा हुआ है, फिर उसके बाद जो है अब ये दूसरा ये वाकया पेश आया है, तो क्या कहेंगे आप सर इसके बारे में? जी, हमें जैसे इतला मिली कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, तो फौरन ही पुलिस के जवान हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच के, रेस्क्यू के पहुंच के बिल्डिंग को इवैक्यूएट कराया गया। ना सिर्फ इस बिल्डिंग को बल्कि आसपास की जो बिल्डिंग है उनको फौरन ही इवैक्यूएट कराया गया, और ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। और हमने मशीन रिमूव कराई थी कि ये बिल्डिंग नीचे आ गई है,
और कम से कम ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। एंड उसकी वजह से आप देख रहे हैं इसको क्लियर करेंगे और जो आसपास की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है उसको भी क्लियर कराएंगे। आप ये बताइए कि कच्ची आबादी के अंदर तो ये मना है, सख्ती से मना है, फिर ये इसकी इजाज़त कौन देता है? नहीं, इसकी किसी से इन्होंने इजाज़त नहीं ली है और जो बिल्डर है उसके खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई भी कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट भी कर दिया है और इसको अभी पहले यहाँ पर क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ जो जो इमारतें ऐसी हैं जिन्होंने इलीगल बना लिया है, हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी बात चल रही है, हमारी सिंध कच्ची आबादी से भी बात चल रही है, तो इसको इस तरह से टैकल करेंगे। सलीम साहब, ये 15 दिन के लिए सील भी कर दी गई थी, फिर उसके बाद इजाज़त दी गई, तो मतलब ऐसे कौन वो लोग हैं जो इजाज़त देते हैं? अब ये समझ में हमें नहीं आता कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा किरदार जा रहा है, आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, सर इसके ऊपर भी आप फोकस करें, हम तो रिपोर्ट आपको पहुँचाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और ये हम देख रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई रिटर्न परमिशन हमें नहीं ला के दी इन्होंने, ठीक है, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से इन्होंने बनाया विदाउट एनी परमिशन। और जो मुतालिका इदारे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, तो सिंध कच्ची आबादी के अंडर ये आता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमारे साथ खड़ी है इसके अंदर, तो अभी हमारा फोकस ये है कि इसको जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कम्प्लीट किया जाए और जो आसपास की बिल्डिंग है उनमें देखा जाए कि किस चीज़ को नुकसान हुआ है, तो जो क्लियरिटी है वो आ जाए। अब ये देखें ना, इसके साथ जो और बराबर में जो बिल्डिंग है उन वो मुतासिर हुई हैं, वो घर से बेघर हो गए वो लोग, तमाम उनके तमाम इसके अंदर वो सामान मौजूद हैं, वो रोड के ऊपर आ गए हैं, तो इसका जिम्मेदार ये इसकी तो मतलब ग्राउंड प्लस 1 या 2 की जो परमिशन पहले देखनी पड़ेंगी, तो बनाई कैसे थी, अगर परमिशन है तो और लीगल बनी है तो सही है, गवर्नमेंट शुड कंपनसेट, लेकिन अगर इलीगल है वील हैव टू सी कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमारा फोकस ये है कि जल्द से जल्द इसको पहले मलबे को क्लियर किया जाए और पहले सेफ किया जाए आबादी को आसपास की, कि जो बिल्डिंग जिनको नुकसान पहुँचा वो ना गिर जाए, तो यही हम देख रहे हैं। कच्ची आबादी में आपको पता है कि ये इरेगुलरिटी ज़्यादा होती हैं इस हवाले से और जो मटेरियल लगता है वो भी ज़रा नाकिस होता है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम। सर आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह से नाजमाबाद के अंदर क्वार्टरों के अंदर भी बिल्डर माफिया चले गए हैं, आ गए हैं वहाँ पर भी 40-10 के ऊपर ये लोग 6-6 इमारत मंजिल बना रहे हैं, तो इसमें भी आप कुछ करेंगे? हाँ, पिछले के हवाले से उसमें लोग हैं, मैं आपको बताऊं, हमारा पिछले 1 महीने से डेमोलिशन के ऊपर ठीक ठाक ऑपरेशन चल रहा है, ना ही सिर्फ हम डेमोलिशन कर रहे हैं बल्कि हम जो जो बिल्डिंग आइडेंटिफाई होती है उसको हम बैन लिस्ट में डालते हैं ताकि उसकी लीज और सब लीज ना हो सके, तो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, बिगाड़ आज का नहीं है, बिगाड़ 15-20 साल का जो है उसको करते करते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम उसी राह पर चल गए हैं और बहुत जल्दी जिस पेज से हम चल रहे हैं बहुत जल्दी हम इसको क्लियर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से तहा सलीम साहब मौजूद हैं, उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया है, बताया है और इनकी मौजूदगी में माशाल्लाह से ईद कुर्बान के मौके पर या कोई और भी आप उसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने काम किए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से, मज़ीद इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है, कोशिश करेंगे कि और जी और दूसरे इलाके हैं उस पर भी हम गौर व फिक्र करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद कुरैशी साहब जो कि SBC देखते हैं इन इलाकों में, जो कि लियाकताबाद और दूसरा गुलबर्ग, इसके अलावा नाजमाबाद भी आप देखते हैं माशाल्लाह से। गुलबर्ग नहीं, नाजमाबाद और नाजमाबाद। मकसूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे ये बिल्डिंग जो गिरी है इसके पीछे कौन लोग हैं जो इनको इजाज़त देते हैं या इनका कहाँ तक इसमें जो है मामला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए ये जो है अनप्लान कच्ची आबादी, तो यहाँ हमारे डोमेन में नहीं आता, यहाँ के हम नक्शे ही पास नहीं करते हैं। अच्छा। तो कच्ची आबादी के अंदर हमारा अमला नहीं जाता है, तो ये खुद रोज तामीरात करते हैं यहाँ पर लोग, तो इससे अब मैंने पहले भी चैनल सुबह आए सबको मैंने ये मौके दिया है कि ये अनप्लान कच्ची आबादी है, हमसे पटेन नहीं करती। ये इसमें सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का कोई मतलब इसमें दखल? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है एज पर ऑर्डर ऑफ DG SBCA है, हम उसको कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर रहे हैं, वो सारा रेस्क्यू का जो अमल है वो जो मलबा हटाया जा रहा है ये DG SBCA की हिदायत पर हटाया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तहा सलीम साहब भी यहाँ जो ये बिल्डर का जो सुनने में आ रहा है डॉक्टर याकूब दूसरा आमिर, ये बिल्डर हैं पहले से, ये पहले भी काफ़ी जगहों पर अपनी तामीरात करते हैं, उसमें ज़ाहिर है इसमें मिली भगत से ही काम चलता है, तो क्या आपसे आप इन नामों से वाकिफ नहीं? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं गुलबर्ग टाउन में मेरी पोस्टिंग नहीं रही तो मुझे वाकिफ नहीं है कि ये नाजमाबाद याकताबाद में, नहीं मेरे नॉलेज में नहीं है ये दोनों आदमी, आपकी नॉलेज? मेरी नॉलेज में नहीं है। मकसूद कुरैशी भाई का कहना ये है कि मेरी नॉलेज में इन दोनों नामों का कोई मतलब जहन में नहीं आता कि ये कभी मेरे पास से भी गुजरे हों। इतना बड़ा सानिया पेश आया है, इस बिल्डिंग से कितने मुतासिर हुए घराने जो इस वक्त ख़ानदान रोड के ऊपर आ गए हैं। मकसूद भाई यकीन करें हमने चीखों पुकार सुनी है लोगों की जो इस वक्त रोड पर बैठे हैं अपने बच्चों को लेकर, तो इसकी जिम्मे किस पर जाता है, किसकी जिम्मेदारी है?
सर तमाम इदारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि ये कच्ची आबादी के डोमेन में इसमें तो इजाज़त ही नहीं है ना, उसके बाद ये कैसे बना। मैंने कहा ना हमें इजाज़त नहीं है, हमारा अमला यहाँ पे नहीं आता बिल्कुल भी, सारे कच्ची आबादियों के अंदर हमें इजाज़त नहीं है जाने की। तो कच्ची आबादी में खुदरो तामीरात होती है, और यहाँ सपोज अगर किसी डिपार्टमेंट का अमला आ भी जाता है तो उनके साथ जो यहाँ सलूक होता है वो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मकसूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने हमें तमाम सूरतहाल से आगाह किया और हमें बताया कि हमारा इस प्लॉट से या इस कच्ची आबादी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे कोई लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। तो ये अपनी मदद आप कहते थे इन लोगों ने ये बिल्डिंग तामीर की है, क्यों की है, किसने किए, कौन से इदारे इसके बैक पर हैं, किसने इसको इजाज़त दी, जबकि 15 दिन सील कर दिया गया था इस बिल्डिंग को, उसके बावजूद फिर कैसे खुली गई। मैंने आपको कहा ना कि मैं DGHB साहब की हिदायत के ऊपर कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मुझसे गुलबर्ग टाउन परटेंड नहीं करता। तो रात को हमको जब इतला आई सुबह के टाइम, तो हम फिल फोर इसको रात को खाली करा लिया गया था, रात को हम कोऑर्डिनेशन में थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी बिना पर जो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान अजीज़, KEN24 एजी न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची।